राखी की सारी तैयारियां हो गई। आज तो बहुत जल्दी काम खत्म हो गया, अब मैं आराम से सो सकती हूँ। ये मिठाई, वाओ, ये मिठाई किसने खाई है? हे भगवान, मैंने तो सुबह सब कुछ अच्छे से रखा था, ये मिठाई किसने खा ली? ना जाने कौन भूखा जिसने मिठाई खा ली। पता नहीं क्या करते हैं यार, कैसे मजा आया। ये मिठाई कैसे खा रहे हो आप? मैं भी तो वही पूछ रही हूँ। ये देखो आधी बर्फी, ये किसने खाई आधी बर्फी? पता नहीं, मैं जब मार्केट जा रही थी दिन में तो मैं सब कुछ सेट करके रख के गई थी, ये मिठाई किसी ने खा ली और ये भी मैंने गलती से खा ली। गलती से कैसे खा ली? मौका चाहिए था आपको, कोई खाए तो मैं भी खा लूं। ऐसी कोई बात नहीं है, कितने प्यार से ये फ्रूट्स की टोकरी सजाई थी और ये सब चला गया चूल्हे में, हमारी राखी कैसे बंधेगी? हमारे पास तो मिठाई नहीं है। ओहो, फ्रूट्स तो बड़े अच्छे लेके आई हो आप। हाँ, मैं फ्रूट्स बहुत अच्छे लेकर आई हूँ। हाँ, लग तो रहे हैं अच्छे, मैं खाऊंगी कल नाश्ते में। हाँ ठीक है, आप खा लेना, अभी रख दो। अरे दीदी, मिठाई किसने खाई है, कौन है? मुझे नहीं पता ये किसने खाई, आपको तो पता है मैं ये सब काम नहीं करती हूँ, पता है ना आपको। सच में यार, ये किसने खाई है? ऐसे कोई ये कहाँ गई? लगता है चुड़ैल चली गई। What? इन्होंने खाई होगी ये मिठाई, और झूठ बोल रही है, पता नहीं किसने खा ली। सोचो मैं कितनी सारी मिठाइयाँ लेकर आई थी, सारी मिठाइयाँ खा ली, लेकिन कोई बात नहीं, खा ली तो खा ली, मैं पीछे से खा लेती हूँ। तो बहुत टेस्टी है, वैसे तो ये बर्फी बहुत होती हुई टेस्टी है, वैसे मगर खाई तो इन्होंने ही होगी। हाँ दीदी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं वहां से यही तो बैठी थी, आपने इतने सारे भाषण दे दिया, जब मैंने वो मिठाई खाई नहीं, और मैं खाती तो मैं पूरी नहीं खाती, डर पड़ा है मुझे किसी का? नहीं नहीं, आपको और आपकी मम्मी को किसी चीज का कोई डर नहीं पड़ा। वो तो है ही, भगवान ने हमें निडर बनाया है, हम किसी को कुछ भी सुना सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। हाँ, कोई थप्पड़ भी ऐसी मारेगा पता नहीं। ठीक है ठीक है, वो तो मैं ना ऐसी बड़बड़ा रही थी, वो क्या है ना, मिठाई ऐसी रखती नहीं है। ओ शिट, इस पर गिर गई झूठी मिठाई, अभी मिठाई कौन खाएगा? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, पता नहीं किस चुड़ैल, किस चुड़भूत ने मिठाई खा ली है। देखो किसी ने भी खाई है, गाली नहीं दे सकती। अगर मैं आपको गाली दूं तो इस लड्डू के लिए? लेकिन लड्डू तो मैंने आप ही के सामने खाए ना, मिठाई आपने मेरे सामने नहीं खाई है। हाँ कोई बात नहीं, आप इन्हीं को टच कर रहे हो, ये कल प्रसाद में चढ़ेंगे ना। प्रसाद में चढ़ेंगे, भोगी कहीं की। कुछ नहीं कुछ नहीं, आप खाओ, ये मैं इधर रख देती हूँ, अपना बूंदी का लड्डू ले जाती हूँ। वो तो ठीक है, पर हमें कितना गंदा हो रखा है, ये सब साफ भी कर दो। कपड़ा मार के अपना चश्मा हटाओ, कपड़ा मारो अच्छे से, और फिर ये चमाचम होगा, तब हम कल सुबह पूजा वूजा करेंगे। करो, मैं सोने जा रही हूँ। और एक काम करना, उसके बाद एक कप गरम हल्दी वाला दूध दे देना, देखो नींद नहीं आ रही आजकल बिना हल्दी वाले दूध की। अभी ला रही हूँ, आप चलो। ला रही ला रही। चुड़ैल कहीं की दूध पिएगी, दूध में जहर डाल के ना दे दो तुझे। इतनी कहीं की दूध पिएगी, मेरे घर का पूरा दूध खत्म कर देती है। लेकिन मैं इतने बड़े ग्लास में क्यों दे रही हूँ, छोटे ग्लास में भी तो दे सकती हूँ। इस ग्लास में दूंगी मैं इनको दूध, कम का कम, और बच भी जाएगा मेरा। लेकिन दूध, आज तो मैं दूध लाने ही भूल गई थी। हे भगवान, अब क्या करूं, इनके रूम में जाके इनको पटाना पड़ेगा, वरना मम्मी जी को कॉल कर देंगी, दूध भी नहीं लेकर आई, घर का ध्यान ही नहीं रखती। ये वो बोई, दोनों माँ बेटी बातें बनाएंगे, फिर कुछ तो करना पड़ेगा। दीदी तो टीवी देख रही है, ये क्या है? दीदी दूध नहीं लाए, दीदी लगता है चुड़ैल सो गई या मर गई। दीदी लगता है सो गई। ये भगवान, आपने मेरी सुन ली, आज तो मैं बाल बाल बच गई, वरना अपनी मम्मी को फोन कर दी थी, और इनकी मम्मी और ये मुझे दिन रात ताने मारती कि घर में दूध नहीं रखती है, बहुत कंजूस हो गई है, जबकि सच बात तो ये इनकी माँ और ये कंजूस है। मुझे ताने मारते रहते हैं हर रात, हर डेली, हर सुबह, हर शाम। कहाँ जाऊँ मैं? Oh no! Gucci! Gucci! आजा, तू भी नहीं आना चाहता क्या मेरे साथ? तू भी इनके साथ मिल गया है क्या? No. चल मेरे साथ। तो चुड़ैल सो रही है, इसको चुपचाप ले जाती हूँ, और आज इसको अपने पास सुलाऊंगी, कितना प्यारा है तू। चलो, गुची को तो मैं इस चुड़ैल के रूम से ले आई, आज तू मेरे साथ सोएगा, ठीक है?